अगर आप लोगों के पास भी आधार कार्ड है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड का कहीं कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, और अगर आपके आधार कार्ड का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है तो कैसे ये पता चले कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम साबित होने वाली है अगर आपके मन में भी ये सवाल है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन लोगों को इस बात के बारे में पता चल सके कहीं उनके आधार कार्ड का किसी ने गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है। अगर किया है तो कैसे पता चले कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है। दरअसल हम सब जानते हैं कि भारत में आधार कार्ड जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। हमें कहीं पर भी अगर अपनी पहचान साबित करनी हो तो सबसे पहले हम अपना आधार कार्ड आगे करते हैं। कोई फॉर्म फिल करना है तो अपने आधार कार्ड का जेरोक्स करके उसके साथ लगा देते हैं, या फिर ऑनलाइन कोई डिलीवरी करनी है या फिर ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करना है तो वहाँ पर भी हम अपना आधार कार्ड जो है वो अपडेट कर देते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि कहीं आपके आधार कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? अगर किया है तो कैसे पता चलेगा आपको कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो चुका है? इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, अब मैं आपको ये तफसील से जानकारी देने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे आधार सर्विस के नीचे एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन सामने दिखाई देगा। उस ऑप्शन में आपको अपना आधार नंबर और अपना सिक्योरिटी कार्ड एंटर करना है। जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे तो उसके नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जिस ऑप्शन का नाम होगा सेंड OTP। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करवाया है उस पर एक OTP जाएगा। जैसे ही वो OTP आपके पास आता है आपको वो OTP जो है वो सामने आए हुए कॉलम में फिल करना है। जैसे ही आप वो फिल करते हैं उस कॉलम को, उसके बाद आपके आधार कार्ड की हिस्ट्री जो है वो सामने खुलकर आ जाती है। वो हिस्ट्री सिर्फ 6 महीने की होगी। ये मैं आपको जानकारी दे दूँ, पूरे साल की नहीं, 2 साल की नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की हिस्ट्री आपके सामने खुलकर आएगी। आप ये देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में कहीं आपके आधार कार्ड का किसी ने गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या कीजिएगा, फिर क्या करना है? अगर आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किसी शख्स ने कर दिया है या फिर हो चुका है तो आपको 1947 टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है और अपनी शिकायत दर्ज करनी है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, वाया ईमेल आपको शिकायत दर्ज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको help@uidai.gov.in इस पर जाकर आपको अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल था कि कहीं मेरे आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो मैं कैसे चेक करूँ, कैसे पता चले कि आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। आप लोग देखते रहे स्टेट टॉक्स, मुझे निधि ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।